सप्ते चिरजीव नः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। आज समस्त छतरपुर जिले आसपास क्षेत्र के बागेश्वर धाम से संबंधित भाव निष्ठा रखने वाले जितने भी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर ब्लॉगर आप सब विराजमान हैं। छोटा वाला माइक होगा मेरा पहला। आज हमें आप सबको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आज सूचना देने के लिए सूचित किया है। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक भारत में प्रथम बार सामाजिक समरसता के लिए भेदभाव मिटाने के लिए जो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा की जा रही है उसके मात्र 2 दिन शेष हैं। 21 नवंबर से वह एक ऐसी देश में क्रांति खड़ी प्रारंभ हो रही है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति तब तक यह पदयात्रा संकल्प अनवरत चलते रहेंगे। कुछ दिन का विराम विराम कर करके आगे पुनः समाज जगाने के लिए जन जागृति के लिए यह कार्य बागेश्वर धाम बालाजी की प्रेरणा से किए जाते रहे। आप सभी लोग बहुत प्रिय हैं, आत्मा हैं। अनवरत बागेश्वर धाम की चर्चा को आप जन जन तक पहुंचाते हैं। वर्तमान में देश विचित्र भौगोलिक परिस्थितियों से घिरा हुआ है, चाहे वो बंगाल बांग्लादेश की खबर हो, पश्चिम बंगाल की घटना हो, अथवा फिर वर्तमान में देश के ही अंदर जगह से निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए चिंता का विषय है जलता हुआ मणिपुर, नूह मेवात, बहराइच, बरेली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल की डॉक्टर बिटिया श्रद्धा के 35 टुकड़े, कन्हैया लाल दलालघर के संतों का मारना, रामचरित मानस का जलाना, राम के होने का सबूत मांगना, कृष्ण जन्मभूमि पर मस्जिद बनाए बनी हुई, ये सभी मुद्दे और बार बार यह स्थिति देखी जा रही कि उनकी संख्या बढ़ रही, हिंदुओं की संख्या घट, वो अपना वोट बैंक बढ़ाकर सत्ता में अधिपत्य जमा कर एक दिन ऐसा आएगा कि वो भारत को भी इस्लामिक राष्ट्र घोषित करवा दें। हम सब इतने उदारवादी हैं कि भारत के अनेक बार टुकड़े हुए, उनके लिए 3-3 देश, फिर भी हम अपने देश में अपने ही अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई कम्युनिटी सोई हुई है, किसी कल्चर के लोग सोए हुए हैं तो वो लोग सोए हुए हैं जिन्हें हिंदू कहते हैं, जो आदि से हैं, जिन्हें वेद विज्ञान का ज्ञान था, जिनके पास साइंस था, जो भारत के लोग पूरी दुनिया से अपने आप को सबसे पहले डेवलपमेंट मानते हैं। अब वर्तमान में ऐसी परिस्थिति खड़ी हो रही कि अब आप ही सबसे पीछे हुए, इसीलिए हमने प्रण लिया भारतीय हिंदुओं को जगाने के लिए जात पात ऊंच नीच भेदभाव और छुआछूत को मिटाने हमको हर हाल में लोगों तक जाना पड़ेगा, उनको 7 वचन दिलवाकर संकल्प याद करवाना पड़ेगा पहले कि हम जात पात पर भरोसा नहीं करेंगे, हम सब हिंदू एक हैं इस बात पर गुमान और गर्व करेंगे। दूसरा वचन जी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वचन दिलाकर जाएंगे शपथ खाकर, कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश का अनादर नहीं करेंगे, कोई अनादर करेंगे तो उसे छोड़ेंगे नहीं। तीसरा वचन हम अपने बच्चों को दिलवाएंगे, हर हाल में वैदिक संस्कृति के गीता रामायण पुराण दर्शन, चाहे वो भारतीय दर्शन हो, पातंजलि जैमिनी, इन सबके दर्शनों का अध्ययन करवाएंगे और अपने बच्चों को सनातन संस्कृति से ओत प्रोत रखेंगे। चौथा, एक दूसरे की हिंदुओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हम हिंदुओं का सपोर्ट करेंगे, हम हिंदुओं का सपोर्ट करेंगे। पांचवा वचन हम हर हाल में सब लोगों को दिलाना चाहते हैं,
भेदभाव जात पात ऊंच नीच से ऊपर उठकर हर सप्ताह में शनिवार अथवा मंगलवार को मंदिरों में एकत्रित होना प्रारंभ करें। छठवां संकल्प जो हिंदुओं को हम दिलाना चाहते हैं आप लोगों को, वो ये दिलाना चाहते हैं, गाय गंगाल गीता गुरु इनके प्रति कभी अनादर का भाव नहीं रखेंगे, अटूट निष्ठा व श्रद्धा रखेंगे, मरते दम तक इनकी पद्धति संस्कृति और इनके सम्मान को बचाएंगे। सातवां और अंतिम जो हमारा वचन इस पद यात्रा के अंतर्गत लोगों से होगा वो ये होगा, किसी भी परिस्थिति में हम लोग पहुंच जावे मेरे सनातन वैदिक धर्म की स्थापना के लिए जगह जगह गुरुकुल की स्थापना करना। इन सात वचनों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए यह 21 तारीख से 29 तारीख तक की पदयात्रा में आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। देखो अंगूर गुच्छा में होता है तो महंगा बिकता है, टूट जाता है तो सस्ता बिकता है, एकत्रित रहेगा तो पूरी दुनिया में इसका सम्मान होगा, और अगर टूट जाएगा वही हाल होगा जो भूटान से, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान से टूटने पर हुआ, वो आपका हाल हो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब वो फिर गाना आप पर फिट बैठेगा कि देर ना हो जाए कहीं, देर हो जाएगी फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके हाथ से बात निकल जाएगी। वो अभी 22% है, तो नानी याद दिलवा दी। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, ये मात्र 22% लोग ऐसा बोल रहे हैं, विचार करो तुम 80% हो तुम आज तक अपना ही अधिकार नहीं ले पाए, वो 15% वाले तुम्हारा भी अधिकार छीनने की ताकत रखते हैं क्योंकि तुम अभी डरे हुए हो, कायर हो, सबसे ज्यादा नानी याद दिलवा दी। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, ये मात्र 22% लोग ऐसा बोल रहे हैं, विचार करो तुम 80% हो तुम आज तक अपना ही अधिकार नहीं ले पाए, वो 15% वाले तुम्हारा भी अधिकार छीनने की ताकत रखते हैं क्योंकि तुम अभी डरे हुए हो, कायर हो। सबसे ज्यादा बुजदिल अगर कोई इस दुनिया में है तो उसका नाम है हिंदू, सबसे ज्यादा कायर कोई है तो वो है हिंदू। इसलिए अब हिंदुओं को पड़ेगा, एक आदमी ने पत्थर उठाया, कुत्ता को मारा, कुत्ता भाग गया, लेकिन वही पत्थर उठाया उसी आदमी ने मधुमक्खी के छत्ता को मारा, आदमी भाग गया। कुत्ता अकेला था तो कुत्ते को भागना पड़ा, मधुमक्खियां एकत्रित थी तो आदमी को भागना पड़ा। उसी प्रकार तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें कश्मीरी पंडितों की तरह देश छोड़ना पड़ेगा, एकत्रित रहोगे तो उनको देश छोड़ना, उनको देश छोड़ना। अब निर्णय तुम्हें लेना है कि अपना छोड़ना है या उनसे छोड़वाना है। अगर उनसे छुड़वाना है तो हम सब हिंदुओं को एकत्रित होना पड़ेगा, परिस्थिति में हम सबको एकत्रित होना पड़ेगा, इस पदयात्रा को सफल बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि धर्म विरोधी ताकतें रूप से ताकत लगा रही हैं कि ये विफल हो जाए, विफल होने में उनको मजा आएगा, सफल भगवान को करना है। हम अपना पुरुषार्थ जब तक हमारे तन में प्राण है, हम तो अपने प्राणों की बाजी लगा करके लड़ रहे हैं, बिल्कुल हमारा कोई फायदा नहीं, हम तो अपनों की भी गालियां खा रहे हैं, परायों की भी गालियां खा रहे हैं, दुश्मनी के तो रडार पे पूर्णतया लगे ही हुई है। हमें ना राजनीति में आना है, ना किसी पार्टी को वोट दिलवाना है, हमारा सिर्फ एक ही सिद्धांत है, हर हाल में हमें हिंदुओं को एक करना है, एक करना है। आने वाले 500 सालों तक कोई भी उंगली ना उठाए और ये सिद्धांत हिंदुओं के दिल में बैठ जाए, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो, चाहे जो हो जाए। इसीलिए आप सब लोग आए, दो बातें हम के मौन बोलेंगे, एक ये इस पदयात्रा में हमने कुछ त्याग किए, दो त्याग महत्वपूर्ण है। पहला त्याग, पूरी पदयात्रा में हम माला नहीं पहनेंगे, स्वागत स्वीकार नहीं, क्योंकि अभी जब सफलता ही मिली तो नहीं मिली, तो माला पहनना और स्वागत करने का मतलब ही नहीं उठता है। बिल्कुल सही बात, जब सफलता प्राप्त होगी तभी माला धारण करेंगे, पदयात्राओं में कहीं पर भी हम माला आगामी भी पदयात्राओं में यही संकल्प। दूसरी पादुका नहीं पहनी, माला के पीछे एक और लॉजिक है कि हम हिंदुओं के ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डाल रहे, धन का अपव्यय ना हो, माला एक बार में है ही नहीं, दूसरा कोई उपयोग नहीं, इससे धन का अपव्यय होता है, अपव्यय होने के कारण हम जो है विचार किए हैं, हमने प्रण लिया है कि हम माला नहीं पहनेंगे। तो आप सब लोग जितने भी यूट्यूबर ब्लॉगर, जगह जगह जो भी आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर अलग होता है कि एक पदवी है, एक पदवी है, पदवी है। तो इन्फ्लुएंसर जितने भी आप सब बैठे हो, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई 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 भाई। अब हम आपको
एक अंतिम बात बोल दें, 21 तारीख को प्रातः काल पदयात्रा और कदारी में प्रथम दिवस विराम करेंगे, दूसरे दिन पैक्टिक छतरपुर में विराम करेंगे, तीसरे दिन नौगांव में विराम करेंगे, ऐसे आते जाते जाते विराम करेंगे। इन बीच के दिनों में 2-3 दिन 4 दिन छोड़कर हम एक दिन फिर आपको मिलेंगे पदयात्रा के बीच। और धक्का मुक्की से बचना है, आप लोग देखिए कि किसी को भी अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं आना है, मुहरता से बचना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है, आगे आने के लिए दौड़ नहीं लगाना है, रोड की एक ही साइड में चलना है, दूसरी साइड में नहीं चलना, ताकि लोगों को कष्ट ना हो, किसी भी प्रकार की नारेबाजी नहीं करनी है, नाम कीर्तन करके मिलने वाले लोगों को जात पात मिटाने के लिए संकल्प दिलवाना है, उनको ये सातों कसमें बातें दिलवानी है, सबको गले लगाना है, मिलने वाले स्वागत अथवा चाय पानी जल पानी की व्यवस्था जो रस्ते रस्ते तक करवाई जा रही उसमें एकदम से भगदड़ नहीं करनी है, सबसे पहले आने वाले को पा लेने दें, आप 5 मिनट बाद तो बात पावे, भोजन प्रसाद सबको मिलेगा, थोड़ा इंतजार करना, धैर्यता कर रखना, फुहरताबाजी मत करना किसी भी प्रकार से जिससे आपकी छवि खराब हो गए, प्रेम पूर्वक चलना, खतरे वाली जगहों से बचना, अकेले में माताओं बहनों को नहीं जाना है, एकांत जगहों पर जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रशासन की नियमावली का पालन करना, कोई भी परिस्थिति या कोई भी बात ऐसी होती तो उसकी तुरंत सूचना प्रशासन को अथवा बागेश्वर धाम के सदस्य हैं उनको देनी है, मस्तक पर तिलक लगाना है, रबड़ की चप्पल पहनकर जूता पहनकर चल सकते हो आप, घर से एक थाली और कंबल लोई अथवा लेकर के चलना है, क्योंकि ठंड पड़ने वाली व्यवस्था में इतनी लंबी 1 लाख लोगों की व्यवस्था बना पाना कठिन हो पाएगा, भोजन भंडारे की व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेटवाने के लिए टेंट की व्यवस्था हम कर रहे हैं, थाली और एक कंबल को लेकर के आना है ताकि किसी को भी प्रकार से आपको असुविधा ना हो, अपना मोबाइल सामान चोरी से बचने के लिए सुरक्षित रखना है, एक के साथ दो रहे तो एक व्यक्ति के हाथ में सामान दे देवे, दूसरा आदमी अपनी नित्य क्रिया स्नान आदि में व्यस्त रहे, लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति सामान को सुरक्षित रखेंगे। इन 9 दिनों में वापसी के समय पर ध्वजारोहण करके वहां भी बिना भक्त मचाए यदि वाहन हो गए, देर रात तक लगभग 50-100 बसों की व्यवस्था कर रहे हैं जो राम राजा और शास्त्र छतरपुर तक आएंगी, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है, सफल हो जाएगी तो ठीक है, क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं तो एक स्पेशल ट्रेन चलवाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं, अगर सफल हो जाएगी क्योंकि बहुत देर हो गए तो ठीक है, नहीं तो बसों के द्वारा आप अपनी भी वाहनों की व्यवस्था तो भगदड़ नहीं मचाना है, घबराना नहीं है, किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत होने पर तत्क्षण बाद पास में चल रही एम्बुलेंस अथवा अगल बगल में लगे हुए कैंपों में जाकर के अपनी सूचना डॉक्टर को दे करके हर हाल में इस यात्रा को किसी भी प्रकार से विफल नहीं होने देना है, हिंदुत्व का धर्म विरोधी पहली उल्लाह वाले मजाक ना बनावे, हम किसी भी प्रकार से ट्रॉल या मीम्स के शिकार ना हो, इस बात का हर हाल में हम लोगों को ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की होने हो रही असुविधा को तूल देने की बजाय उसको तत्क्षण ठीक करना अथवा नहीं कोई जिम्मेवार व्यक्ति तक सूचना पहुंचाना आवश्यक है, बाकी ज्यादातर चीजें इग्नोर कर प्रकार से विफल नहीं होने देना है, ताकि धर्म का सनातन का हिंदुत्व का धर्म विरोधी पहली उल्लाह वाले मजाक ना बनावे, हम किसी भी प्रकार से ट्रॉल या मीम्स के शिकार ना हो, इस बात का हर हाल में हम लोगों को ध्यान रखना है, किसी भी रही असुविधा को तूल देने की बजाय उसको तत्क्षण ठीक करना अथवा नहीं कोई जिम्मेवार व्यक्ति तक सूचना पहुंचाना आवश्यक है, बाकी ज्यादातर चीजें इग्नोर करनी, एक ये भी विकल्प है, पहले तो बताना, दूसरा हल्ला नहीं मचाना, तीसरा इग्नोर, चौथी बात धर्म विरोधी स्वरूप बदल करके इस यात्रा में सम्मिलित होंगे उन पर आपको भी अपनी नजर रखनी है, किसी भी प्रकार की घटना किसी भी प्रकार की भगदड़ की अफवाह ना हो, बाकी प्रशासन और धाम सेवा समिति के द्वारा सभी प्रकार की तैयारियां प्रयत्न व कोशिश किए जा रहे हैं, अंत में वही संकल्प है जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई को बुलाने के लिए जन जन तक, अब आपको एक काम और करना है, आप यात्रा में नहीं सम्मिलित हो पा रहे, आप हिंदू होने का फर्ज निभाएं, अपने घर से ही एक हनुमान चालीसा का पाठ और मोबाइल से एक पोस्ट हिंदू सनातन यात्रा के लिए सपोर्ट में डालें, जब तक चल रही है
वहीं की कुछ जानकारियों को जनता की। इस यात्रा का मकसद केवल बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का नहीं है, पूरे देश दुनिया में रहने वाले हिंदुओं तक ये मैसेज पहुंच जाए कि हम सब हिंदू एक हैं। बस इस बात को रखने के लिए हमने आप सबको बुलाया है। अपना ख्याल रखें, 2-3 घंटे लेट हो गए। हाँ जी महाराज जी, मेरे 3 ये हैं। एक तो ये हमें चाहिए विजुअल अगर बनते हैं, तो जैसे आप जो आ रहे हैं लोग, जैसे कि सेलिब्रिटी कोई आता है, कोई सीएम आते हैं, तो एक वो विजुअल हमें हो जाए। एक ऐसे कई वृद्ध लोग आते हैं, कई दिव्यांग चल रहे हैं, मैंने यहाँ पे भी देखा कि कई ऐसे लोग हैं जो कि बिहार से पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि वहां तो नहीं निकाल रहे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव बात है, जैसे नेगेटिव को तो हम इग्नोर कर ही देंगे, लेकिन पॉजिटिव बातें हम एक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेंगे, जैसे वृद्ध चल रहे हैं, कोई बड़ी वृद्ध महिला चल रही है, वो जो बातें कहेंगे। एक हमारा ये है कि वो विजुअल आपने कहा पीछे रहना, तो वो विजुअल कैसे आएंगे जैसे आपके साथ जो चल रहे हैं। बागेश्वर धाम के रोहित जी के द्वारा एक ग्रुप बनाया जा रहा, इन्फ्लुएंसर ग्रुप, उसमें रियल वीडियो और रियल नहीं रॉ वीडियो जो विदाउट आपके कॉपीराइट या इससे बचा हुआ होगा, उस रॉ वीडियो के मटेरियल को उस पर डाला जाएगा। आप डाउनलोड करके अपनी अपनी आईडी पर अपलोड कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी इस बात के लिए। तो आपको किसी भी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए भगदड़ या सिक्योरिटी लैप्स करने की आवश्यकता नहीं है। आज हमने बैठक की है, रोहित जी आज बनाएंगे 2 ग्रुप, एक मीडिया ग्रुप, एक बनाएंगे इन्फ्लुएंसर ग्रुप। इन्फ्लुएंसर ग्रुप दोनों के ग्रुपों में हम लेंगे रॉ वीडियो फोटोज, आने वाले अतिथि सनातन विचारधारा के लोग, वैदिक परंपरा को मानने वाले संत महंत मठाधीश आचार्य एवं स्पिरिचुअल अथवा फिर अभिनय जगत के लोग या फिर राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग, जो भी आएंगे, जो उनके विचार होंगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इनकी ड्यूटी हमारे पास में है। तो ये वहां पर वाइट लेंगे, लेकर के तुरंत आपको जैसे दोपहर के 12 बजे से 2 बजे के बीच में वीडियो आएगा, बजे के बाद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बाकी आप लोगों के संपर्क से रही भीड़ से ड्रोन, हाँ आपने ड्रोन कहा, ड्रोन शॉट भी दोनों टाइम आपको विथ रील के मिलेगी, विथ रील के, आपको परेशानी हो। आप अपने वीडियो से एक उपाय कर सकते, मोबाइल से, जिसका भी मोबाइल अथवा कैमरा बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जगह जहाँ से बंद कर रहा हो, वहां से पदयात्रा निकल रही हो, किसी सज्जन का मकान छज्जा वाला मिल जाए, वहां खड़े होकर के आप अपनी बातों को लाइव आकर दिखा सकते हो। ज्यादातर आप लोगों को लाइव दिखाना, अधिकांश ब्रज है, नीचे से जाएगी आप ब्रज पे खड़े, लेकिन हमें चाहिए आपसे लाइव। आप लोगों को इंस्टा, हम भी कोशिश कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे हम आज तक आए नहीं। पदयात्रा के लिए आपके लिए 4 पंक्ति हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हिंदुओं को एक करने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन कुछ धर्म विरोधी इस बात से जल रहे हैं। मैं उनके लिए इतना कहना चाहूंगा कि तुम जलते रहो, हम जलाते रहेंगे, तुम जलते रहो, हम जलाते रहेंगे, और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाते रहेंगे। हमें हर एक सोए हिंदू को जगाना है, अपने भारत को भव्य बनाना है। अयोध्या में बन गया है राम मंदिर, अब कृष्ण जन्मभूमि को कुछ गोपी बाजों से छुड़ाना है। जय श्री राम। गुरुदेव के साथ पद यात्रा में कदम से कदम मिलाकर हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय श्री राम। क्या नाम? प्रभांशु श्रीवास्तव। सुंदर महाराज जी, एक हफ्ता से रात के 2-2 बजे तक जग के मतलब जाल लाइन बोल दो, डिस्टर्ब ना हो जाए। बहुत सुंदर, इधर आओ जी महाराज जी, बात है वो बोलो। जैसे हम लोग सोशल मीडिया